नेशनल चैंपियनशिप में हमारी इंडियन टीम का सिलेक्शन होगा। जो बेस्ट 5 राइडर इस नेशनल चैंपियनशिप से निकल के आएंगे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो आने वाला वर्ल्ड कप क्वालिफायर है उसमें भी, और 3 साल तक इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहेंगे जितने भी इंटरनेशनल, एशियन और वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप है 2023 में साउथ अफ्रीका में, जिसमें ये पर्टिकुलर टीम, ये जो 5 लोग इन 200 लोगों में से सेलेक्ट होंगे, वो जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विहंग। ये इवेंट जो हो रहा है, ये इसके वेन्यू पार्टनर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। 3 मार्च से ये इवेंट चालू हो रहा है। 3rd-4th को जो है नेशनल चैम्पियनशिप होगी, 5th को नोएडा हॉर्स शो होगा जिसमें बच्चों का इवेंट होगा, और 6th and 7th को फिर नेशनल चैम्पियनशिप होगी। 7th को इसका कल्बिनेशन होगा और अवार्ड सेरेमनी होगी। देन 8th, 9th, 10th, 11th को नोएडा हॉर्स शो होंगे जिसमें बच्चे बड़े सबके इवेंट्स होंगे। बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें कि फिर से टेंट पैकिंग का होगा, लांस का होगा, कुछ हो जंपिंग भी होगी। देन 12th ऑनवर्ड्स जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होंगे जिसमें इंटरनेशनल टीम्स आ जाएंगी और वो कम्पीट करेंगी। जो इसके टिकट हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे बुक माई शो पे, या फिर जो फाउंडेशन है उसकी वेबसाइट पे भी आपको लिंक मिल सकता है। टिकट का प्राइस अगर प्री बुकिंग करते हैं इट इज़ 3,000 रुपीज़। इफ़ यू आर बुकिंग ऑन द सेम डे द टिकट प्राइस इज 1,000 रुपीज़ होंगी। इवेंट इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स की, उसके एचएस में हो रहा है, और इवेंट को अलॉट किया है इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फेडरेशन ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को। बाकी जो नेशनल चैंपियनशिप्स है वो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में हो रही है, और इक्विविंग स्पोर्ट्स जो मेंबर है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया की, वो इस गेम को ऑर्गेनाइज करा रही है। और टेंट पैकिंग के नेशनल्स हो रहे हैं, नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप जिसे कहते हैं। 8 डिसिप्लिन होंगे, देश भर से आर्मी की, पुलिस की, पैरामिलिट्री की, प्राइवेट क्लब्स टीमें आई हुई हैं। तकरीबन 150 से 250 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें जो आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने, और 4 दिन के कॉम्पिटिशन के बाद जो बेस्ट 5 राइडर होंगे वो इंडियन टीम के लिए उनका सिलेक्शन होगा। वो इंडियन टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलेगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 7 कंट्रीज हैं, बहरीन है, बिलारूस है, रशिया है, USA है, कतर है, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो हमारी इंडियन टीम जो है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलेगी, जो भी बेस्ट राइडर्स इनमें सेलेक्ट होंगे। और होपफुली हमारी इंडियन टीम जैसे ही क्वालिफाई करती है, टॉप 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, तो 2023 के वर्ल्ड कप में यही टीम जाएगी। कुछ नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका एक बार नाम। जो नेशनल चैंपियनशिप में जो प्रोमिनेंट नेम्स अभी हैं हमारे पास, वो अजय सावंत हैं 61 कैवलरी के, जो अर्जुन अवार्डी हैं लास्ट ईयर के एट इक्वेस्ट्रियन टेंट पैकिंग के लिए ही। सुरेश कुमार हैं हरियाणा पुलिस के, जो एथलीट्स कमीशन के मेंबर भी हैं इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के, 2013 से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वांगथम लमाटी हैं जो इंडियन टीम में थे, प्रदीप यादव हैं जो कि इंडियन टीम में थे, जसविंदर सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंडियन टीम में कई साल रहे हैं, योगेंद्र यादव बिहार पुलिस के 61 साल के हैं, आज तक नेशनल खेल रहे हैं, इंडिया टीम में काफ़ी टाइम रह चुके हैं, वो खेल रहे हैं। एक पंजाब पुलिस से यंगवीर सिंह हैं और जसविंदर सिंह हैं, ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं, प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं इंडिया के, और भी कई सारे प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि हर साल नेशनल होता है तो रैंकिंग्स ऊपर नीचे होती रहती हैं इसकी। बता दीजिए वो जो खेल होता है उसके बारे में कैसे। सर इक्वेस्ट्रियन टेंट पैकिंग जो है इसमें घोड़े पे गेम होता है, जिसमें राइडर के पास एक लांस होता है, लांस यानी भाला, वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 मीटर का ट्रैक कवर करना होता है, और 70 मीटर पे एक पैक गढ़ी होती है 4 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की अलग अलग रन्स में, उसे वो पैग अप्रूव करनी होती है, उस लांस से वो पैग उस पर्टिकुलर स्पीड में निकालने होते हैं। 6.4 सेकंड मिलते हैं उसे ये 80 मीटर ट्रैक कवर करने के लिए, अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें टाइम पेनल्टी लगती है, पर हाफ पर 1 सेकंड के हाफ पॉइंट कटता है।